शिमला में देश का सबसे बड़ा रोपवे प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। बोलीविया की सिटी लापाज के बाद दुनिया का यह सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। इसको लेकर आरटीडीसी की ओर से शिमला में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इसकी अध्यक्षता की। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से शिमला विश्व के मानचित्र में स्थापित है, अब रोपवे के लिए जाना जाएगा। भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यहां बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिमला में यातायात की समस्या से निजात पाने के लिए अब केवल रोपवे विकसित करना ही विकल्प है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल के अंत तक इस प्रोजेक्ट की टेंडर प्रक्रिया पूरी की जाएगी। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि 4 साल के भीतर इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। उन्होंने कहा कि शिमला रोपवे प्रोजेक्ट में 1734.70 करोड़ रुपए खर्च होंगे। देखिए, शिमला रोपवे एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और अब वो हम अब उसको टेंडर स्टेज की तरफ लेके जा रहे हैं। 1734 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है और हिंदुस्तान का तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है रोपवे का, और लगभग 14 किलोमीटर ये लंबा होगा। ये विश्व का दूसरा सबसे लंबा रोपवे होगा। तो जो पहला रोपवे है वो बता रहे हैं 32-34 किलोमीटर लंबा है लापाज का, और लेकिन हिंदुस्तान का ये एक अनूठा रोपवे है। शिमला वैसे भी इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त स्थान है और सारी दुनिया को शिमला के बारे में पता है। देश दुनिया के टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और ट्रांसपोर्ट का जो प्रणाली है अब उसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं रही है, इसलिए हमें अल्टरनेट मोड पे जाना है। तो इसलिए शिमला में हम करार रहना हमारा हो गया है, बैंक के साथ भी हमारी नेगोशिएशंस हो गई हैं और एनडीबी और हिमाचल सरकार दोनों मिलके इसको आगे बढ़ा रहे हैं।